والسلام على سيد البشر وشفيع الأمة في يوم المحشر وعلى آله وأصحابه سرد الحضر سبحان الله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله مالك يوم الدين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام الله سبحان الله ذوق و شوق کے ساتھ درود پاک پڑھو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلا آلک و اصحابک یا نور اللہ لائق صد تعظیم زینت مسند صدارت استاد العلماء فخر الخطباء فاضل نوجوان حضرت علامہ صاحبزادہ مفتی سید محمد شاہد فاروق شاہ صاحب زید مجدہ اور انتہائی عزتوں کے لائق حاضرین محفل اللہ رب العزت کی عطا کردہ توفیق سے شہر اولیاء کی مرکزی دینی درسگاہ جامعہ غوثیہ عزیز العلوم کے سالانہ جلسہ معراج النبی بدستار فضیلت کی مقدس پاکیزہ اور بابرکت محفل میں تمام احباب حاضر ہیں اللہ رب العزت سب کا اکٹھا ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اس ادارے کو دن دگنی رات چگنی ترقیاں عطا فرمائے بڑی خوشی ہوئی کہ بڑے عرصے بعد اس سال دستار فضیلت کا اہتمام ہوا انتہائی خوش قسمتی ہے اہل علاقہ کے لیے اللہ رب العزت قبلہ شاہ صاحب کی اور انتظامیہ کی پرخلوص کاوشوں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے چند باتیں علم کے حوالے سے گوش گزار کروں گا
अल्लाह मुझे हक कहने की तौफीक अता फरमाए, हम सब को इस पे अमल की भी तौफीक अता फरमाए। हज़रत कसीर इब्ने कैस रज़ी अल्लाह तआला अन्हो रिवायत करते हैं कि मैं जामे मस्जिद दमिश्क के अंदर सहाबी रसूल हज़रत सैयदना अबू दर्दा रज़ी अल्लाह तआला अन्हो की बारगाह में हाजिर था। कसीर इब्ने कैस फरमाते हैं कि मैं सहाबी रसूल हज़रत अबू दर्दा की बारगाह में जामे मस्जिद दमिश्क के अंदर हाजिर था। एक शख्स आया, चेहरे पे थकावट के आसार, गर्दो गुबार है, अर्ज करता है या अबद दर्दाए इन्नी जेतो का मिम मदीनत रसूल, ए अबू दर्दा मैं तेरे पास मुस्तफ़ा अली सलाम के शहर मदीने से आ रहा। मुस्तफ़ा अली सलाम के शहर मदीने से आ रहा, और आपको पता होना चाहिए कि मदीने से लेकर जामे मस्जिद दमिश्क तक फासला 1136 किलोमीटर बनता है। 1136 किलोमीटर का फासला, और एक रिवायत में है कि यह सारा फासला उस आदमी ने पैदल तय किया और सहाबी रसूल की बारगाह में हाजिर। अबू दर्दा रज़ी अल्लाह तआला ने जब उसकी ये बात सुनी तो फाइट में आ गए, हैरान हुए कि इतना सफर पैदल तय करके मेरे पास आया है, आने का मकसद क्या है? उसने कहा जी मुझे पता चला है कि तुम रसूलुल्लाह के सहाबी हो और तुमने अल्लाह के हबीब के मुंह से बराहे रास्त हदीसें सुन रखी है, मैं इतना सफर करके आपकी बारगाह में सिर्फ रसूलुल्लाह का फरमान सुनने आया हूं, मुस्तफा की हदीस सुनने आया हूं, मुझे बताइए मेरे आका का फरमान क्या है? तो हजरत अबू दर्दा रज़ी अल्लाह तआला अन्हो फरमाने लगे, सुन मैं तुम्हें बताता हूँ मेरे आका का फरमान क्या है। फरमाया मन सलका तरीकन यतलुबु फीहि इल्मन सलकल्लाहु बिही तरीकन मिन तुरुकिल जन्ना। फरमाया जो बंदा किसी रास्ते पे चलता है और उसका मकसद ये है कि इल्म की कोई बात मिल जाए, शरीयत का कोई हुक्म मिल जाए, इस नीयत से जब कोई बंदा घर से निकलता है, फरमाया सलकल्लाहु बिही तरीकन मिन तुरुकिल जन्ना। फरमाया यूं समझे कि रब ने उसे जन्नत की राहों पे चला दिया है, बज़ाहिर उसके कदम जमीन पे होते हैं, हकीकत में वो जन्नत की गलियों में टहल रहा होता। वइन्नल मलाइकता लतदअउ अजनिहतहा तहता कदमैहि रिदल लितालिबिल इल्मे। फरमाया अल्लाह के मुकर्रब फरिश्ते जब वो बंदा जमीन पे चलता है, किस लिए चलता है? कि कोई दीन की बात मिल जाए, कोई शरीयत का मसला मुझे हासिल हो जाए। अजी इस नीयत से जब निकलता है तो अल्लाह के नूरानी फरिश्ते, अल्लाह के मुकर्रब फरिश्ते अपने परों को उसके पांव तले बिछा दिया करते हैं। आज दे दौर कहे बंदे को इज्जत देवनी हो, सरेकी ठीक रासी है, उर्दू ठीक है, आज दे दौर कहे बंदे को इज्जत देवनी हो, उनका तरीका ये है कि असा एक दिन मुकर्रर करके उको अपना मेहमान खास बने, जेड़े दिन आमना हो सी अपने दोस्त का कोई ऐसा दावत दे कि सारा मेहमान खास आंदा पे, सारा पीर आंदा पे, साडा उस्ताद आंदा पे, साडा एमपी आंदा पे, एमएनए आंदा पे, ते आपा रल के उंदा इस्तकबाल कर इवें ना से। बल इस्तकबाल दा तरीका क्या हो सी? सारे दोस्त लैन बढ़ा के हाथ फुलां दियां पत्तियां चाह के खड़ दे, जै वेले मेहमान नेड़े आसी
फुला दिया पत्तियां उदे सिर पे सके से देखण वाले आक्सन यार रब बड़ी इज्जत दीती भले बड़ी शान है बड़ा प्रोटोकॉल है बड़ी लोग मोहब्बत रखे ने ना बड़ा इस्तकबाल कीते ने ये दिल ना रजे मजीद प्रोटोकॉल देवना होवे तो उंदी सूरत ये है देहात है का निर्वाह शहर है के उंदे पैरा तले रत्ते रंग दा कालीन बिछे ने पैरा तले रत्ते रंग दा कालीन बिछे सन उन कालीन दे उत्ते ओ बंदा टर के आसी देखण वाले आक्षन यार इज्जत होवे ता इंज होवे शान होवे ता ई होवे प्रोटोकॉल होवे ता ई होवे के पहले उंदे सिर ते फुल्लां दी पत्तियां सजियां ने बल उंदे पैरा तले रत्ते रंग दा कालीन बिछे ने यार केड़ी शान है ई बंदे दी मेरा सवाल ये है कि अगर इंसान इंसान दे पैरा तले कालीन च बिछावे ओ इंसान ता इज्जत वाले ईमान नाल दस जे ताले बिलम दे पैरा तले रब दे फरिश्ते पाल बिछा छोड़न क्या ओ ताले बिलम इज्जत वाला नहीं जी सकदा नाराए तकबीर नाराए रिसालत नाराए रिसालत नाराए हैदरी जशनीत मेराज नबी इंसान इंसान दे पैरा तले कालीन बिछावे ओ इंसान ता इज्जत वाले ते जे तालिब इल्म दे पैरा तले रब दे फरिश्ते पर च बिछावे क्या ओ तालिब इल्म इज्जत वाला नहीं थी सकदा ओ तालिब इल्म शान वाला नहीं हो सकदा मैं को आखन दे ओ रब ने सारिया इज्जत दीन वाले को अता कर छे सुभान अल्लाह बल्कि ओ जेडी कालीन बिछे ने ना ओ कालीन दी कोई हद होंदी पंजा फुट का टोटा उस चलो सौ फुट का दू सौ का जा ये नहीं होता भी मेहमान सा इस्लामाबाद चले तो उतुन असा कालीन बिछाऊ हाजी तो ये कालीन उत्ते टुरा के खेना इंज नहीं होता कालीन की एक हद है मगर याद रख हदीस का इतलाक दसे दे कि जैसे ताले बिल घरों निकल दे उदा फासला हजार मील ना होवे तो हजार मील दे चप्पे चप्पे उत्ते फरिश्ते पर बिछा रखे बंदे ते यार 200 फुट दा टोटा कालीन दा अगर उंदे उत्ते कोई चल के आवे तो इज्जत वाले ते जेने फासले ते चप्पे चप्पे उत्ते फरिश्ते पर बिछा रखे ने क्या वो दीन वाला इज्जत वाला नहीं हो सकता वो शान वाला नहीं हो सकता बल गाल ए है अगली गाल ए है कि जा सकूगा चाहिए जिथा ताले बिल दे पैर आने अजी तो पर वाल उठाई होने चाहिए ये पूरा रास्ता ते पूरा जितना राह है सारे का सारा भरिया होने पर दे इदी वजह क्या है ते लुड़ी सी जा हुआ जिथा उन्हें पैर आने बाकी जा तो खाली है उठा पर भी समझ दी लोड़ भी कहीं नहीं ते वाल भी सारे राह होते पर अखे हाँ वजह यह है कि फरिश्तियां की ख्वाहिश होंगी है कि आज कोई घरों दीन आला निकले ते असा उदे पैरा तले पर बिछाऊं वल जे वेले दीन आला घरों निकल दे फरिश्ते आसमान तो नाजल थीने इदू दीन आला घरों निकल दे उदू फरिश्ते आके भज के रस्ते दे उत्ते अपने पर बिछा देने वल रब दी बारगाह च अर्ज करे ने मौला ई दीन आले दे पैरा तले पर बिछाउणा साडा कम हा हुण साडे परे उत्तों लंघावणा ते वादा उला शरीक दा कम सुभान अल्लाह अजी ए इज्जत अता कीती अल्लाह पाक ने दीन आले को सुन कुरान पाक ए जांदे मालिक यौम इत्ती अल्लाह फरमाते मैं कयामत दे दिन दा मालिक मैं कयामत दे दिन दा मालिक ते कम क्या करने अल्लाह ताला ने तूरी अल्लाह ताला तेरी मेरी जन्नत ते दोजख ते फैसले फरमे से ना मैं अमाल रब दी बारगाह च पेश हो से अमाल दे मुताबिक जजा हो सी या सजा हो सी जन्नत हो सी या दोजख फैसले कर ले लेकिन सवाल ये है कि दुनिया में भी लोग फैसले करेंगे ते फैसले करने वाले को असा मालिक कहनी से आते असा को काजी आते वो कुछ जज जा आते हैं अदालत में बैठ के फैसले करेंगे इनके नहीं मैं कुछ जज आते हैं ना सा सवाल है कि अल्लाह पाक फरमाते हैं मैं कयामत दे दी हिंदा मालिक का ते जे मेले करने ही फैसले मौला तू क्यों नहीं आधा भी मैं कयामत दे दी हिंदा काजी मैं कयामत दे दी हिंदा जज जा
उलमा फरमाते हैं वजह यह है कि जज ते मालिक च बड़ा फर्क है। जज पाबंद होंदे, मालिक खुद मुख्तार हो। जज पाबंद होंदे, मालिक खुद मुख्तार होंदे। चोरी थी गई, चोर पकड़ी पिया, चोरी शुदा माल भी बरामद थी गया, अजी गवाह भी मौजूद है, हत्ता के चोर ने भी अपनी चोरी तस्लीम कर दी है, तो हुण जज मजबूर है सजा सुनावण। हुण जज की मजबूरी है सजा सुनावे। अगर जज सजा नहीं सुनेगा, लोग आखसन जज जुल्म कीते, जज ना इंसाफी कीती है, जज बड़ी ज्यादती कीती है, जज वेच चुके जमीन का सौदा कर दिते, उन्हें गाली छीसन के कोई ना, तो जज सजा सुना देवे। सजा सुनने तो बाद उठे ही अदालत दे विच मालिक खड़े, वो जेडी चोरी थी है वो चोर आके उन्हें पैर ढह पवे, क्या यार मेरे निके निके बाल हैं, ते अल्लाह का ना ही मैं तू माफ च कर, आइंदा ये कम कहना करे सा, तब मालिक चाहे तो उनको माफ कर सकते, मालिक चाहे तो उनको माफ कर सकते। ये नाक्सी मालिक ज्यादती कीती है, कोई ये नाक्सी मालिक जुल्म कीते, सारे आखसे मियां मालिक वड्डा पन दिखाए, इन्हें है के नहीं, मालिक वड्डा पन दिखाए, इंदा मतलब ये है कि जज पाबंद हो दे, मालिक खुद मुख्तार हो दे। अल्लाह फरमे दे मैं क्यामत दे दी इंदा मालिक हां, वो ऐसा गुनाहगार है तू, रब खुशखबरी पे दे दे कि गुनाहगारो तुमको घबरावण दी लोड़ काई नहीं, मैं क्यामत दे दी इंदा जज नहीं हां कि हर कहीं तू सजा सुनावा उदे जुर्म दे मुताबिक तुको सजा सुनावा, नहीं मैं क्यामत दे दी इंदा मालिक हां जे मैं चाहवा तुसा सारे को बगैर हिसाब से जन्नती कर छोड़। सुभान अल्लाह, अच्छा वल के सादा जज कने होए ना सब वकील दी लोड़ पड़े। सुभान अल्लाह, वकील तो बगैर सादा केस नहीं तुर, इमे ना सही जे केस होवे मालिक कने वल वकील दी नहीं कह सफारसी दी लोड़ पड़े। अजी मालिक दा दोस्त है, उंदा भिराए हमसाया है, उंदे कोल वैसे यार तेरा इने नाल ताल्लुक है ते फलाना काम करवा रे, इमें है के ना। अल्लाह फरमाए मैं क्यामत दे दी ना मालिक हां, मौला ये ता दसा भी क्यामत आले दी असा गुनाहगारां दा सफारसी कौन सी, क्यामत दे दी दे मालिक ही साडा सफारसी कौन हो सी। सुन हदीस पाके चांदे अल्लाह रब्बुल इज्जत हाफिज़े कुरान की शान दिखा के क्यामत आले दी, हाफिज़े कुरान की शान दिखला के हाफिज़े कुरान को हुक्म देसी क्या ये कुरान दे हाफिज हुन जन्नत चला वन, हाफिज कुरान जन्नत चला वन, हाफिज कुरान आखसी मौला मेरे माँ प्यो भी होने चाहिए। हाजी मेरा भीरा दोस्त अहबाब हमसाए पड़ोसी मेरे सारे ताल्लुक आले होने चाहिए। अल्लाह फरमाएसी मैं तो उन्होंने दो दख का फैसला कर दी, हर कर ऐसी मौला उन्होंने तो बगैर तो मैं जन्नत ही कहना वैसे। हाजी मैं उस जन्नत को क्या करने जिता अब्बा नजर ना, जिता अम्मा नजर ना आवे, जिता दोस्त अहबाब नजर ना आवे, मैं नहीं वेदा। अल्लाह वाल पूछियो तू नहीं वेदा, अर्ज करे सी मौला कोई ना, रब फरमे सी वंज तेरे सदके नाल मैं उन सारे को जन्नत ही बना छोड़े, तेरे सदके नाल उन सारे को जन्नत ही बना छोड़े। मेरा सवाल यह है कि आज असा अपने बाला को स्कूल भिजेने ते मदरसे च कोई ना, इवें है के नहीं, वाले को स्कूल वाले पास बड़े शौक ना कि सारा पुत्र इंजीनियर बन सी, प्रोफेसर बन सी, डॉक्टर बन सी, लेकिन मदरसे वाले पास कहना भेजे से, मदरसे वाले पास वो जैसे हाथ कहना हो सन से, जैसे पैर कम ना करे सन, जरा अखी तू मुथाज हो सी, कोई ना कोई उस को मसला हो सी, बालू को सही को मदरसे भेजो, मगर याद रखो कि तेरे स्कूल पढ़ने वाला वकील बन दे, मदरसे में पढ़ने वाला कुरान का हाफिज बन दे, वो वकील की रसाई जज तक होनी है, हाफिज कुरान की रसाई रब्बे रहमान तक होनी है। इन्हें है कि नहीं, हकीर समझ के जिन्हें बुझा दिया तूने, हकीर समझ के
जिन्हें बुझा दिया तूने, यही चराग जलेंगे तो रोशनी। अगली गाल भी सुन, क्यामत कठन कायम हो सी जन दुनिया ते दुनिया दी हर शे खत्म थी वे, बल क्यामत दड़ी हो सी रब मालिक यौमी दीन हो सी, हाफिज कुरान खड़ के सफारिश करे सी ते जहन्नमिया को जहन्नम में कड़ कड़ के जन्नत भेजे सी। ऊ टाइम दुनिया कहना हो सी, इंदा मतलब दुनिया दे विच अदालतां कहना हो सन, अदालतें च बहण वाले जज कहना हो सन, ये वकील ते विकालता कहना हो सन, तो मैं को आखन दो कि जेड़े भी जेड़े स्कूल च पढ़ण वाले वकील दी विकालत दी इंतहा थी दिए, वो नहीं मुहम्मद दे गुलाम दी सफारिश दी इब्तदा थी। सुभान अल्लाह, हाफिज कुरान सफारिश करे, बल्कि इल्म की कदर इल्म वाले जान, दीन दी कदर दीन वाले जान। हजरत सैयदना इमाम आदम अबू हनीफा रजी अल्लाह तआला नो दी बारगाह में एक तालिब इल्म आ गया, अगे सही तुहाडे इदारे दी पढ़ाई सुनी से मशहूर है, ते मेहरबानी करो मेरे को दाखला इनायत फरमाओ, मैं भी पढ़ना चाहूँ। आपने फरमाया ठीक है, तालिब इल्म पढ़न शुरू कर दिता। कुछ दिया तो बाद बाजार किया कि कम हस तुरद तुरद जुत्ती टुट पी, पूछे उस बंदे कहू यार इतना कोई जुत्ती बनाने वाला है, वहाँ कहा फलानी जाते दरख्त के तले एक मोची बैठे उनका कम ही चला मैं जुत्ती बना दे, तो ताले बिल्म चला गया उगवा दे जुत्ती बना दे, वहाँ कहा ठीक है पुत्र बना देना, पैसे इतने पैसे गिनसा जुत्ती बना दी। वो आखे यार मैं ताले बिलमा गरीब हाँ मुसाफिर हाँ पैसे कह नहीं मैं कहने तो मेहरबानी कर जुत्ती बना दे, वो आखा कोई ना बाबा मैं पाले की रोजी आस्ते बैठा हूँ, मेरे को तो पैसे चाहिए, पैसे होंगे नहीं तो दे मैं बना देना। वो आखा यार पैसे तो कहनी तू इन्हें कर, मैं तनु शरीयत दे डा मसले सुन गए, शरीयत पाक दे डा मसले सुन गए जुत्ती बना दे। वो कहा कोई ना बाबा मैं मसले दे बदले जुत्ती नहीं बना दे, वो कहा चाह यार इवें कर हम जड़ी शाय है वो तो है अजी जड़ी ना हो उन्हें मैं क्या करा, तू मेहरबानी क्या कर यार मैं तेन शरीयत दे सौ मसले सुन के एक जुत्ती बना दे। वो कहा कोई ना मैं शाम को बाला को रोजी देवनी है उन्हें को मसले नहीं सुना बने, मैं तो पैसे चाहिए। ताले बिल का दिल टुट पिया, वापस आ गया इमाम साहब की बारगाह, अर्ज करें सही तुसा जरा पढ़ावना पढ़ा भी दे तो मैं जरा पढ़ना पढ़ भी दे, मेहरबानी करो इजाजत दो मैं पक्का पक्का घर वे। आपने पूछा पुत्र खैर तो है, अगर सही गाल है कि जय इलम की इतनी कदर ही कहनी भी मैं शरीयत के सौ मसले सुनावा, अगला मैं कुछ जुत्ती ना बढ़ा के दे, मैं वो इल्म पढ़ के क्या कर, मेहरबानी फरमाओ मेरे को इजाजत दो। इमाम साहब गाल समझ गए, फरमाव लगे पुत्र डूरी खड़ वंज वाल तेरी मर्जी है, वह कह ठीक है सही डूरी है तू बात। इमाम साहब को एक पत्थर दिता, फिर मैंने एक पत्थर घेन वाई ऊ मोची करे को आगे एक घेन ते जुती बना, वह कह ठीक है सही किया मोची करे वो दिता पत्थर उचा के कंधे च मारे, वह कह मैं तू क्या करूं तू मजाक बनाई करी कहले मसले सुनावण पाए कहले पत्थर चा के आवे तो तू कई दफा के पैसे नाल काम पड़, वो बल वापस चला गया सही होता कवड़ींदा नाल हा पत्थर चाह के मारे। इमाम साहब फरमाया चाही में कर कह जौहरी कने मांझ जरगर कने मांझ कह सुनारे कने मांझ ऊं कनु पूछ क्या भी पत्थर की कीमत क्या है, पत्थर बेचना नहीं बस कीमत पूछ क्या ठीक है सही हाजिर। पहुंच गया जौहरी कने, जौहरी जिता देखकर तो बाद का पुत्र इंदी कीमत एक लख दिरहम है, पत्थर गेंद के वापस आवर जो पिया पिछू वल आवाज दीती दुकानदार ने जौहरी ने पुत्र जे थोड़े आनी तो 25,000 दिरहम पे देने तैयार, वो अगर कोई ना सही सिर्फ मुल लवाम ने बेचना कहे ताले बल मा दिया वापस इमाम साहब की बारगाह। अर कहते हैं हजूर समझ नहीं आनी मेरे को ये पत्थर मोची कने चाह के वजा तो दीवार चाह के मारे,
जोहरी कने घेन के बंजा सवा लाख दिरहम दा मुल लावे। वजह क्या है? इमाम साहब फरमाया पुत्र ए पत्थर नहीं है हीरे, ते हीरे दी कदर मोची को नहीं होती, हीरे दी कदर जोहरी को होती है, हीरे दी कदर सुनारे को होती है। आके सही समझ आ गई। फरमाया अगली गाल की समझ, ए इल्म भी है कि हीरे, ते इल्म दी कदर जाहिल को नहीं होती, इल्म वाले को होती है। फरमाया जे इल्म दी कदर पूछनी है जाहिल कदू ना पूछ, कहे इल्म वाले को लुबान के पूछ, ओ ते को देसे सी इल्म दा क्या मतलब। तकबीर जौकला देश का नारा सुनाओ, हत्ता को बुलंद करते नारा रिसाल, ये को खिताब सुन के चस्ता नहीं पिया आवाज मदीने पुजावे, नारा रिसाल, नारा रिसाल, नारा हैदरी अजमत मिलाद मुस्तफा सुल्तान महमूद गजनबी बादशाह। उको अपनी जिंदगी त्रे चीजा विच शक हा। पहले नंबर पे भी मैं पता नहीं सबकुत गीत दा पुत्र हां भी सही के ना, मशहूर है हा भी सबकुत गीत दा पुत्र है, उनको शक है। दूजी गाल ये मौलविया दे वदे उन अल उलमा वरासतुल अंबिया, ये उलमा नबिया दे बारे से शक है कि ये नबियां दे वारिस की में बन गए। अजी त्रुटियां फ्रुटियां सफा ते बहन आले, पाटे पुराने कपड़े पावन आले, टू टाइम दा जिन्हां दा खाना नहीं पूरा थींदा वो नबियां दे वारिस बन, ई गल विच भी कुछ शक। तीजे नंबर ते मौलवी आदे कयामत कायम थी सी, हिसाब किताब हो सी, जन्नत दोज़ख दे फैसले थी सन, ई गल विच भी कुछ शक है कि पता है जन्नत कायम हो सी भी सही यानी मैं मौलवी डरी रहते। त्रे गाली शक है। एक रात गश्त वास्ते निकलिया घरों, नाल नौकर है, नौकर वड़ी सारी लालटेन चाहिए होते चानण ते दूहे वेंदे पैन, नाल एक इमारत उत्ते नजर पई बादशाह दी। बादशाह पूछे नौकर को इमारत क्या दी है, वो कहे सी मदरसा है। वो कहे ता क्या हो दे, आके जी तो मौलवी पढ़ते वगा हुए जेड़े ओ आदन बिया सा नबिया दे बारे से। अखे हाँ, अखे चल अंदर जोल दे दिए कि करें दे क्या है। अंदर चले गए दुए दे दे पैन भी क्या, कुछ तालेब सुते हुए रात का टाइम है, कुछ पढ़ दे बैठे। एक तालेब इल्म में वो अखी नूट के रट्टा लई पे सबक, हाफ़िज़ तक कमजोर है शायद भूल वे भूलता जो है किताब इस नाल खुले दे देखण पौंदे उकु कशा नजर नहीं आती, अंधारे लेट है कहना परेशान थी वे दे उठू उठी दे मदर से तो बाहर दुकान है, दुकान दे उते एक दीवा बलदा उत्ता आके सबक दे दे, सबक देख के बल पीछा अपनी जाते बल की नूट के रट्टा लावन शुरू कर दे, बल भूल वे दे वल किताब खुले दे कोशिश करें दे देखने की कशा नजर नहीं आती, उठी के वालू दुकान ते दीवे ते अपना सबक दे दे वाल वापस चार दफा एक कम की। बादशाह को तरस आ गया, रहम आ गया। बादशाह नौकर को क्या यार ए लाल टेन इनको दे जा, ए लाल टेन इनको दे जा, ए ज्यादा हकदार जरूरतमंद है शोदा औखा वेरा दी दे। वो कहे ठीक है सही, लाल टेन देवर तो बात। बादशाह नौकर को आके भी हुन दीवा ता है कहना गश्त दा फायदा कहनी हुन घर जुड़। बादशाह घर आ गया, आके सुम पिया लेकिन नसीब जाग पे, ख्वाब दे विच अकाली सलाम दी ज़ियारत थी, अकाली सलाम देख के मुस्करे दे खड़े ते मुस्करा के फरमाने सुन मेरे आका दा फरमान, कीवे सुल्तान महमूद दे त्रिहे शक दूर फरमाया आका अली सलाम ने अपने एक जुमले दे अंदर। मेरे आका फरमावन लगे ए सबकत दीन के बेटे, ए सबकत दीन के बेटे, आज तूने मेरे एक वारिस की मदद की।
समझ आइए गाल दी। अजी ऐ सब कुतगीन के बेटे, आज तूने मेरे एक वारिस की मदद की है, कल कयामत के दिन मैं मोहम्मद तेरी सिफारिश फरमाऊंगा। अंदाजा लाओ आका अली सलाम को अपने वारसे नाल कितना प्यार। सुभान अल्लाह। समझे कि नहीं? देखो ना कोई बंदा भी है उनको अपने वारिस नाल प्यार हो देंगे नहीं, ये मेरा वारिस बन सी, उनकी तरबियत भी ठीक करे, उनको तालीम भी सही दे, उनकी जायदाद का हिस्सा भी उनको पूरा पूरा निभाते वे, ये मेरा वारिस इवें है कि नहीं? आका अलैहि सलाम अल्लाह दे पाक नबी, नबियां दे इमाम, ये उलमा सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी विरासत दे हकदार हैं, आका अलैहि सलाम दे इल्म दे वारिस हैं। याद रखो आका अलैहि सलाम ने फरमाया मन आलिमा वा अल्लामा वा आमिला युदआ फिल मलकूते अजीमा, फरमाया जेड़ा बंदा इल्म हासिल करे, इल्म हासिल करन तो बाद उन्दे उते अमल करे, नाल नाल अगू लोका तक भी पहुंचावे, इल्म खुद भी पढ़े अमल भी करे वाल लोका तक भी पहुंचावे, युदआ फिल मलकूते अजीमा आके अर्श मौला दे उते फरिश्ते महफला सजे ने उना महफला दे विच बह के यार ई बंदे को रब बड़ी शान अता कीती है, बड़ी अजमत अता कीती है, बड़ा मकाम अता कीता है। मैं कुछ दिन क्यों वादे देख रब इल्म भी दिता है, रब अमल भी दिता है, रब पढ़ावण दी तौफीक भी दीती है, ते जे तू रब त्रै चीजा दे छोड़े इल्म अमल ते पढ़ावण दी तौफीक, उको अजीम ना आखू तो क्या आखू, उको अजमत आला ना आखू तो क्या आखू, उको शान आला ना आखू तो क्या आखू। याद रखो आज असा इन दुनिया दे विच साडे तो कोई बंदा रूटीन तो हट के कुछ ज्यादा चंगा ठीक होवे ना, चंगे तो सारे हैं, कुछ ज्यादा चंगा ठीक होवे आखन वाले आ देंगे यार ये बंदा नहीं है तो कोई फरिश्ता है, ये बंदा नहीं है तो कोई फरिश्ता है, इना मतलब ये सारे दिल च फरिश्ते की बड़ी कदर है, तो होमनी भी चाहिए मासूम है, गुनाह तो पाक है, इंसान खता का पुतले है। हाँ जी मेरा सवाल यह है कि अगर ऐसा फरिश्ते रह के फरिश्तिया का जिक्र करूं तो फरिश्ते अजमत वाले बन गए, ये फरिश्ते अर्श पे बह के तालिब इल्म का जिक्र च करें, दीन वाले का जिक्र च करें, तो क्या वो दीन आला शान आला नहीं बन सकता, वो दीन आला अजमत आला नहीं बन सकता। बल्कि याद रखो सवाल ये है कि ये इल्म जेदे विच भी आवे रब को शान आला बना दे, ये इल्म च करंट कित्थों है भी जे को अल्लाह इल्म ते देवे नाल शान भी वधवे दी होगी, इज्जत भी वधवे दी, वजह क्या है? फरिश्ते भी एहतराम करें, अजी अर्श वाले भी एहतराम करें, ते फर्श वाले भी एहतराम करें, ओ वजह क्या है? तो सुनो मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, फरमाते हैं अल इल्म नूरन मुक्तबसन मिन मसाबी है मिश्कात नबुवा, फरमाया लोगो इल्म नूर है, हजूर नूर तो है, हर नूर का कोई ना कोई मरकज हो दे, हर नूर का कोई ना कोई मबदा हो दे, हर नूर का कोई ना कोई मंशा हो दे। देखो ना ये लाइट है, ये लाइट का कोई मरकज है ता ये जिथु आंदी पई है, जे मरकज ना होवे बिजली घर ना होवे तो लाइट कित्थु आ, ये लाइट का मरकज बिजली घर है, पर मैंने इल्म नूर है, हजूर नूर का है, ये नूर का कोई मरकज ता दसाओ, फरमाया अल इल्म नूर मुक्तबसम मिन मसाबी है मिश्कात नबुवा, आप फरमाते अल्लाह पाक ने महबूब अलैहिस्सलाम के सीने के अंदर सारे इल्म दे दीने रख छोड़े, आके जे को भी इल्म मिल दे मुस्तफा दे सीने तो मिल दे, इदा मतलब है इल्म का ताल्लुक मुस्तफा दे सीने नाल है, इल्म की निस्बत जो मुस्तफा दे नाल थई है, जेदे विच इल्म आ गए रब फर्श तो चाह के अर्श ते पहुंचा दिते, गाल निस्बत दी है, निस्बत बड़ी चीज है। मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह अलैह का कौन सुने वे, अलामा किफाजी दा भी सुनो, अलामा किफाजी रहमतुल्लाह अलैह फरमाने जमीन दा टुकड़ा जिथा सरकार दे कदम लगे, आ फरमाने ओ काबे तो भी अफजल है,
عرش تو بھی افضل ہے، لوح تے کرسی تنو بھی افضل ہے۔ کہیا کہ حضور کیا پیاد ہو، زمین دا ٹکڑا جتا سرکار دے قدم لگے مدینہ ہے۔ ہاں جی مدینہ مصطفیٰ دا گھر ہے، کعبہ خدا دا گھر ہے، خدا خالق ہے، نبی مخلوق ہے، خالق دا مقام ڈھیر ہے، والکعبہ افضل ہونا چاہیے۔ کہ مدینہ افضل کیویں ہو گیا؟ آپ فرمائیں میرے کو بھی پتہ ہے وہ خالق ہے مخلوق ہے، مگر اے بھی تو دیکھو نا، او محب ہے تے محبوب ہے۔ فرمایا عاشق تو اپنا گھر اتنا پیارا نہیں لگتا جتنا محبوب کا گھر پیارا لگتے۔ فرمایا اللہ کعبے تو بھی دے دے، اللہ مدینے تو بھی دے دے، مگر وہ پیار نال رب کعبے تو نہیں دے دا جہ پیار نال محمد دے روزے کو دے دے۔ حدیث زمین کا ٹکڑا، بلکہ ایک بزرگ فرمینے تو میرا شہر مدینے دی گلیے تو گزر تھیا، میں سچے نہ ہوئے کہ حدیث کے مطابق شہر مدینے چی دو جنت ہیں، ایک جنت البقیے جتا صحابہ کرام علیہ الرضوان دفن ہے، سرکار نے فرمایا یہ بھی جنت کا ٹکڑا ہے۔ بیا سرکار دے ممبر تو لے کے حجرے تک دا ٹکڑا، سرکار نے فرمایا یہ جنت کا ٹکڑا ہے۔ اکے سوچے نہ ہے کہ ابھی جنت دا ہندو تے پتہ نہیں افضل جنت کے رہی ہے۔ اکے اچانک ایک عورت میں کو آواز دی تھی، میں جتھے ایک عورت کھڑی ہے تے شکل پاگل بھی نظر آ دی، میں نہیں گیا، ڈر گیا بھی یہ پاگل ہے کوئی نقصان نہ کرے چاہ، لیکن میں جتھے لوگ وینے کھڑے نو کنے تے منگ دی کھڑی ہے پینی ہے لوگوں کو خیرات پہنے میں، میں کہ میں تو نوی شاید کوئی خیرات منگ دی ہوتی، چلو میں چلا گیا۔ فرمینے میں چلا گیا ہوں وہ ہن عورت پہ آ دیئے، میں کو آ دیئے بھولیا تو کیا آگے کہ شہر مدینے صرف دو جن پہن حجی وہ بڑھے بھی آ دیئے، بھولا تو کیا آ دیئے کہ شہر مدینے میں صرف دو جن پہن، اور میں نے یہ کھینا آ دے میں نے آقا دا سارا شہر جنت نظر آ رہا ہوں، میں نے یہ کھینا آ دے میرے سونے دا سارا شہر جنت، کہ میں حرام تھی گیو کہ ان پاگل عورت کو بھی اللہ تعالیٰ نے غیب دا علم دے چھا، میرا عقیدہ پختہ تھی گیا کہ یار جے محبوب دے شہر بلکہ شہریاں گلیاں میں منگن والے کملیاں دے علم دا مقام ہے، خود مصطفیٰ نے علم نہ کیا مقام ہو سکتا، محمد عربی نے علم نہ کیا مقام ہو سکتا، بلکہ آقا علیہ السلام نے فرمایا آنا مدینہ تو العلم ہے وعلی بابہا، بس آخری گا میں علم دا شہر ہاں تے علی دا دروازہ ہے، پہلے دروازے دی گال کروں تھا تے وال شہر دی گال۔ مولا کائنات مشکل کشا شیر خدا سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی بارگاہ ایک شخص آیا، عرض کریں دے سہی ایک سوال ہے، اگر بے ادبی نہ سمجھو تا، فرمایا پوچھ، حضور گا لے ہے یا سا اکثر دے دیں لوگ تو اکنے آنے سوال کریں دیں کہ تو سا فوراً ہر سوال دا جواب دے دیو، سوال میرا یہ ہے کہ کدا ہڑتا آنکھو ہا بھی میں کو یار سوچن دے ہو، میں کو مسئلہ دیکھن دے ہو، شام کو آوا ہے یا صویرے آوا ہے، مفتی صاحب کنے ونیوں نا مسئلہ پوچھن، اگر انہیں کو پتہ ہوئے تو اسے قیم دسا دے سن، اگر انہیں دے ذہنے چھ نہ ہوئے مسئلہ تبال ہو قیم گین گین سن، بھی شام کو آمی یا صویرے آمی میں کتاب دیکھ کے تو کو مسئلہ دسا دے سن، ہمیں ہے کہ نہیں، انہیں سوال ہے بھی تو سا محلت نہیں میں مگ دے فٹ ارجنٹ ہر سوال دا جواب دے دے، میں وجہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا پہلے میرے دو سوال انہوں دا جواب دے وقت تیرے سوال دا جواب دے، وہ کسی حاضر آپ نے پوچھا پہلا سوال ہے کہ تیرے ہاتھ دیا انگلیاں کتنی ہیں، وہ کسی دا، آپ نے پوچھا اچھا تیرے پیران دیا انگلیاں، وہ کسی دا، آپ نے فرمایا میں دو سوال پوچھے تو بھی تا نہیں سوچے آپ تیرا حق بندہ ہے پہلے دیکھیں ہاں ہتھاں گنے ہاں انگلیاں والا کیا سندہ تسلی کر کے،
पैरा को देखे हाँ गणे हाँ गढ़ क्या खेदा दू सवाल पूछे फट जवाब दीती वजह क्या है बादशाह ही रे ये हाथ हाथ ते मेरी अखी ने गुरा ने ये पैर हाथ ते मेरी अखी ने गुरा ने मेरे को पता है उंगली डाल मेरे को देखने की लोड़ कहनी गण की लोड़ कहनी बोले कहना फरमावन लगे सुन हुण तेरे सवाल का जवाब सुन हुण तेरे सवाल का जवाब है कि रब की सारी कायनात अली दिया अखी दे सामने होती है सारी कायनात अली दी अखां दे सामने रहंदी है जिवें तेरे हाथ तेरे पैर तेरी अखी दे सामने दरवाजा जब दरवाजे के इल्म का ये मकाम है ईमान से बताओ मोहम्मद अरबी के इल्म का क्या मकाम होगा अल्लाह अमल दी तौफीक अता फरमावे वाखिर दावाना अलहम्दुलिल्लाह।